तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर आपने कुछ इस तरह के रील्स वीडियो देखे होंगे जिसमें कि एनिमे फोटो में जो है कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी इस तरह का रील्स वीडियो बनाना चाहते हो एनिमे स्टाइल में, तो आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ऐसा रील्स वीडियो कैसे बना सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमें एनिमे फोटो चाहिए होंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएटर। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएटर। तो इससे इसकी मदद से हम जो एनिमे फोटो बनाएंगे, तो जहाँ पर भी आपको एनिमे फोटो मिल जाते हैं, जो भी एनिमे फोटो आप यूज़ करना चाहते हो, आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख लेना। तो अभी के लिए यहाँ पर हम जो AI की मदद से एनिमे फोटो बनाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर मैं इमेज बिंग इमेज का यूज़ करने वाला हूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसा मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई इमेज वगैरह नहीं मिल रहा तो आप बिंग इमेज क्रिएटर को ओपन कर लीजिए वेबसाइट को। उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें अकाउंट बनाना होगा अगर आप पहले बार ओपन कर रहे हो। तो जैसे आप इसमें अकाउंट वगैरह बना देते हो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। तो अभी आपको इसमें एक प्रॉम्प्ट ऐड करना होगा। तो जो प्रॉम्प्ट है वो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस प्रॉम्प्ट को आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं सिर्फ इसको जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने लिखा है स्टैंडिंग, तो इसकी जगह पर अगर आप बैठा हुआ दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिटिंग लिख सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं स्टैंडिंग ही रहने दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है जब तक ये प्रोसेसिंग लेगा, और यहाँ पर आपको ये जो प्रोसेसिंग दिखाई देगा उसके आपको यहाँ पर कंप्लीट होने तक वेट कर लेना है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस बन जाएंगे, 4 इमेज बन के मिल जाते हैं एक टाइम पर। तो अगर आपको इसमें से कोई पसंद नहीं आता तो आप फिर से क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करके और भी बना सकते हो। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जो है हम इसी में से कोई भी एक यूज़ करते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो जिसको भी आप यूज़ करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कर लेना, और यहाँ पर आपको 3 लाइन्स मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो आप सिंपली कोई भी इमेज आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एनिमे फोटो यूज़ नहीं करना तो आप कोई भी इमेज दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपका यहाँ पर फोटो डाउनलोड हो जाता है, अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से सर्च ऑप्शन पर आना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है लियापिक्स कन्वर्टर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना स्पेलिंग को। तो इस वेबसाइट को आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे आप इसको सर्च कर लेते हो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आप यहाँ पर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको जो है इसमें गूगल से लॉग इन करना होगा। तो आप अगर पहली बार ओपन करोगे तो आप इसमें लॉग इन वगैरह कर लेना। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है इसलिए डायरेक्ट ओपन हो गया है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ पर आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपलोड के ऊपर क्लिक कर लेना। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर जिस भी फोटो से वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी हमने जो इमेज डाउनलोड किया था उसी को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप अपना इमेज सिलेक्ट कर लेते हो यहाँ पर आप डन कर लेना, और ये जो इमेज है वो इसके ऊपर अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर कंप्लीट होने तक वेट कर लेना है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये वीडियो बनके तैयार हो गया है और इसमें एनिमेशन भी आ गया है। तो अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि आप इसका एनिमेशन स्पीड वगैरह चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग तरह के। जैसे कि अमाउंट ऑफ मोशन का ऑप्शन मिलता है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप एनिमेशन का स्पीड चेंज कर सकते हो। अगर आप इसको ज़्यादा करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन ज़्यादा दिखाई देगा, और अगर आप इसको कम करोगे तो ये हल्का हल्का एनिमेशन आपको यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर मैं जो पहले बाय डिफॉल्ट जितना था उतना ही रख देता हूँ। उसके साथ आप यहाँ पर एनिमेशन लेंथ भी सेट कर सकते हो। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका वीडियो का जो लेंथ है वो बढ़ा सकते हो। तो अभी बाय डिफॉल्ट 8 सेकंड का आता है, और आप चाहे तो इसको 10 सेकंड तक बढ़ा सकते हो इस तरीके से। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अभी आपको इसको डाउनलोड करने के दो ऑप्शन मिलेंगे। एक होगा फ्री वाला, जिसमें कि आप अगर डाउनलोड करते हो तो आपके वीडियो के ऊपर वाटरमार्क आ जाएगा, और अगर आप बिना वाटरमार्क का डाउनलोड करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको 100 कॉइन मिलते हैं, जिसका यूज करके आप 2 बार वीडियो को बिना वाटरमार्क के एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब कि एक वीडियो के लिए 50 कॉइन यहाँ पर कट हो जाता है, और अगर आपके कॉइन खत्म हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर उसको बाय करना होगा। क्रेडिट्स को आप यहाँ पर पैसे देके बाय वगैरह कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मेरे अकाउंट में यहाँ पर जो है 50 कॉइन्स बचे हैं, तो इसका यूज करके मैं इस वीडियो को बिना वाटरमार्क के एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो उसका मैं यूज करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर लेना, और यहाँ पर हम जो है MP4 को सिलेक्ट करेंगे, और सिंपल से आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद ये प्रोसेसिंग देगा और आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट कब होता है।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर अभी ये डाउनलोडिंग चल रहा है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये डाउनलोडिंग हो गया है। तो अभी आपको यहाँ पर जो है इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसमें कोई वाटरमार्क वगैरह तो नहीं आया। ओके, तो गलती से यहाँ पर मैंने इमेज को ओपन कर दिया जो कि हमने डाउनलोड किया था, उसके ऊपर क्लिक कर दिया था। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं जो वीडियो अभी हमने डाउनलोड किया है उसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अभी हम देखते हैं इसके ऊपर कोई वाटरमार्क तो नहीं आया। ओके, तो इसको मैं प्ले करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी वाटरमार्क वगैरह नहीं आया है और वीडियो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। लेकिन इसका जो साइज़ है वो स्क्वायर साइज़ में है, लेकिन इंस्टाग्राम पर हमें जो है 16:9 वाले साइज़ में एक्सपोर्ट करना होता है, मतलब पोस्ट करना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको जो वीडियो आपने डाउनलोड किया है उसको आपको यहाँ पर किसी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन करके उसमें ऐड कर लीजिए। जैसे कि अभी के लिए यहाँ पर मैं कैपकट को ओपन कर लेता हूँ, या फिर अगर आप स्टार्टिंग में ही फोटो जो आप यूज़ करोगे वो अगर फुल स्क्रीन में यूज़ करोगे तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए हमने जो स्क्वायर साइज़ फोटो यूज़ किया है उसलिए यहाँ पर हमें इसको फुल स्क्रीन करने के लिए कैपकट का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप कैपकट के जगह पर कोई भी दूसरा यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन अगर आप कैपकट यूज़ नहीं करते हो। तो जैसे आप यहाँ पर कैपकट ओपन करोगे, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक कर देना और आपका जो वीडियो है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है ऐड कर लेना और इसका जो साइज़ है वो हमें फुल स्क्रीन में करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपको ए वाला साइज़ सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो अभी आप इसको अपने हाथों से इस तरीके से जूम कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको जैसे भी सेट करना है वो आप कर लेना। उसके बाद आप इसको प्ले करके देख लेना सही से हो रहा है या फिर नहीं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि सही से बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर अभी से ही म्यूज़िक वगैरह यहीं से लगा सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम से भी लगा सकते हो। तो उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल से इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए गैलरी में और आपका जो वीडियो है यहाँ पर आप रील्स के ऊपर जो है पोस्ट कर सकते हो। तो बहुत ही आसानी से आप ऐसा रील्स वीडियो बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।